कैथल में जनता की सुरक्षा राम भरोसे है और आज कुछ ऐसा हुआ जिसने कैथल के साथ साथ पूरे हरियाणा को दहला कर रख दिया। शनिवार को गांव कुराड़ से गायब हुई 7 वर्षीय बच्ची का एक दिन बाद शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बच्ची का शव जिस हालत में बरामद किया गया उसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। 7 साल की मासूम का शव पास ही के एक जंगल में अधजली अवस्था में बरामद किया गया है। दरअसल दिहाड़ी मजदूरी का काम करने वाले एक व्यक्ति की 2री कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची उस वक्त गायब हो गई थी जब वो घर से कुछ ही कदम की दूरी पर शौच के लिए गई थी। मानसी के परिजनों और ग्रामीणों ने शनिवार शाम को बच्ची को पूरे गांव में तलाश किया मगर उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने बिना देरी किए गांव और आसपास के क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया। वही पुलिस टीम ने गांव के पास मौजूद बैंक की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला तो वहां से गांव का 18 साल का युवक बच्ची को अपने साथ ले जाता नजर आया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पवन को गिरफ्तार किया। पूरा जो हमने सर्च ऑपरेशन चलाया था गांव वालों के सहयोग से, उसमें गांव वालों की सहायता के साथ हमारा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कल से लगा हुआ था रात से, और अब फाइनली यानी कि वो एक बॉडी मिली है। और जो संदिग्ध कुछ हैं जो हमारी उसमें आए हैं, जो कुछ लोग संदेहजनक हैं, उनसे हम पूछताछ भी कर रहे हैं और जल्द से जल्द हम इसमें जो भी इसमें आरोपी हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है उनको जल्द से जल्द हम गिरफ्तार करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। ग्रामीणों ने भी बेटी के लिए न्याय की मांग की है जिला पुलिस कप्तान से, क्या आश्वासन दिया गया है? नहीं, आश्वासन यही दिया है कि जो कार्रवाई हम करेंगे प्रॉपर पूरी तरह से अच्छी कार्रवाई करेंगे, किसी तरह की कोई चिंता की या संदेह की कोई बात नहीं है। पुलिस अपनी कार्रवाई अच्छे से करेगी, जो भी संदिग्ध लोग हैं उन सबसे पूछताछ करके और जो भी इस वारदात में शामिल होंगे चाहे कितने भी हों और कोई भी हों, चाहे कोई परिवार का भी अगर मिलेगा तो सबकी गिरफ्तारी की जाएगी। और सबसे पहले हम जो है बॉडी का मेडिकल जो है वो पोस्टमार्टम बोर्ड से हम करवाएंगे, जो जिससे कि ये क्लियर पता चल जाए किस कंडीशन में उसकी मौत हुई और किस किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया। और जैसे ही कोई भी गिरफ्तारी होगी तो आप लोगों को बताया जाएगा पूरा, और उसके बाद में हम जल्द से जल्द इनको न्यायिक कार्रवाई भी जल्द से जल्द करवाएंगे एक बार गिरफ्तारी होने के बाद में और उचित कार्रवाई की जाए। पुलिस के मुताबिक ऐसा शक जताया जा रहा है कि बच्ची के साथ हैवानियत कर उसके शव को आग के हवाले किया गया। पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया। इससे पहले पुलिस ने आरोपी पवन को हिरासत में ले लिया है। वहीं दूसरी ओर बेटी को खोने से उसके पिता और मां व अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब की सीटीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।